नमस्कार दोस्तों, आल कंपैरिजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज की गेम प्ले में आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। ये गेम प्ले बहुत छोटा होने वाला है लेकिन आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिलाने वाला है, क्योंकि भाई इसके अंदर हमने एक दो ऐसी स्क्वाड मारी जो बिल्कुल मतलब हमारे लिए भी सरप्राइज थी। मतलब ऐसे भाई बंदे ऐसे आ रहे थे बारी बारी से कि ऐसा लग रहा था कब हम लोग मर ना जाएं, ठीक है, ऐसा फील हो रहा था अंदर से। गेम प्ले बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बस लास्ट तक देखते रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यार पिछली वीडियो को टॉप कमेंट को शॉर्ट आउट देख लाकी कमेंट को पिन करते हैं, क्योंकि भाई पिछली वीडियो में यार आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार और सपोर्ट दिया। उम्मीद करूंगा इस वाली वीडियो में भी आप लोग अच्छा खासा प्यार और सपोर्ट देंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज का पहला शॉर्ट आउट जाता है PUBG लाइट लेजेंड, उसका नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है मनीषा, उसका नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है सोहिनी, उसका नेक्स्ट शॉर्ट आउट फेरो, उसका नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है राज, उसका नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है करिश्मा को, उसका नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है हार्ड उसके हार्ड गेमर बॉय को, उसका नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है सूरज, उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट आउट जाता है अमन, उसका लास्ट शॉर्ट आउट जाता है स्मार्ट खान को। इन्होंने लिखा है नाइस वीडियो डन, ओके लव यू एंड बहुत सारा प्यार है। जिन लोगों ने कमेंट किया सबको लव यू एंड बहुत सारा। तो दोस्तों आज का लकी कमेंट जाता है ब्रजेश कुमार को, इन्होंने लिखा है ब्रो जब प्ले स्टोर में पबजी आएगा तो वीडियो बनाओगे? हाँ भाई बिल्कुल बनाएंगे, परेशान मत हो, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही तो आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो जरूर बनाएंगे यार, टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए इनके कमेंट को पिन करते हैं और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग स्टेडियम पे उतरे थे, स्टेडियम पे उतरते भैया यहाँ पे एक रियल प्लेयर आया था जिसको मैंने फटाक से निपटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगल बगल फुटप्रिंट आ रहे हैं लेकिन दो दो फुटप्रिंट आ रहे हैं, इसका मतलब या तो रियल प्लेयर है या तो दोनों बॉट हैं, मगर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये दोनों बॉट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल तो एक दूर बंदा था जो मुझे दिख गया, तो मैंने इसको पहली फुर्सत में लपेट लिया, मैंने सोचा इसको लपेट लेते हैं जिससे किल ही मिल जाएगा, ठीक है। तो दो बंदे मुझे मिल गए सामने ही सामने, तो मैंने दोनों को फटाफट से ले लिया लपेटे में, ठीक है। और उसके बाद नीचे यार फुटप्रिंट आ रहे थे, ये बंदे नहीं दिख रहे थे कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं हैं। तो इनका फुटप्रिंट मैं देखते हुए मैं इनके पास जाने की कोशिश कर रहा था और मुझे ये बंदे अभी तक नहीं देखने को मिले हैं, लेकिन ये बंदे हैं अगल बगल ही कहीं पे, शायद ये मेरे हाथ से नहीं मेरे टीममेट के हाथ से मारे जाएंगे। उसी के बीच में भैया मुझे एकेएम मिल गई, और एकेएम मिल गई तो भाई मज़ा ही आ गया, ठीक है। वो बंदे भाई मुझे तो नहीं मिले लेकिन मेरे टीममेट को मिल गए, और मेरे टीममेट ने भैया उनको बिल्कुल लपेट दिया तगड़े से, ठीक है, क्योंकि वो पीछे से ही मेरे आ रहे थे, तो उनको उन लोगों ने ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब ख़त्म करने के बाद अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर रेड जोन है ना, अब रेड जोन में हम लोग बाहर निकलेंगे, बाहर निकलते ही भैया आगे जो फाइट होगी ना वो कतई यार देखने लायक होगी, मज़ा आ जाएगा, मतलब ऐसी फाइट होगी। अभी यहाँ से हम लोग जैसे स्टेडियम से थोड़ा बहुत मतलब एक दो बोट वोट को मार के यहाँ से निकलेंगे ना, तो आगे दो जगह एक ऐसी तबाही वाली फाइट होने वाली है जो बिल्कुल मतलब आपको लगेगा कि नहीं हाँ अब लग रहा है कोई गेम हम देख रहे हैं या फिर कोई अच्छा सा गेम प्ले देख रहे हैं, ठीक है। अभी देखना, वहीं पे हम लोग जा रहे हैं। अब देखो सामने तो ये केवल एक बोट जैसा था जिसको पता नहीं किसने मार दिया, मैंने गोली चलाई उससे पहले ही वो मर गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्लेयर था इसको मैंने नॉक कर दिया फाइनली, ठीक है। अब नॉक करके मैं साइड में आ गया क्योंकि मुझे मतलब ये आइडिया नहीं था कि यहाँ पे कितने बंदे, और दूसरी बात रेड जोन भी था और तो हो सकता है यहाँ पे और भी बंदे हों, लेकिन मुझे फिलहाल अभी एक ही बंदा दिखा था, ठीक है। तो मैंने इस बंदे को नॉक किया। अब देखना, मैं जैसे ही इस बंदे को नॉक करूंगा पीछे से भैया पूरी टीम दिख जाएगी। मैंने दूसरे बंदे को थोड़ा बहुत डैमेज दिया लेकिन भाई पता नहीं किसी और ने मेरे पे ऐसा मारा यार, मतलब ऐसा डैमेज दिया कि आप देख सकते हैं हेल्थ कहाँ पहुंच गया, मतलब अगल बगल कहीं से भी गोली अगर अगल बगल उड़ती हुई जा रही हो ना तो भाई वो मुझको लपेट लेगी, मतलब ऐसा ज़्यादा डैमेज हो गया था मैं, ठीक है। यहाँ से रिवाइव लिया और जो बंदे ने मुझको मारा था पहले तो उसको लपेटा। ये देखो ये भाई साहब है, ये मेरे को देख गया था ना कि मैं इसके अंदर गया, तो ये मेरे ऊपर रस करने आ रहा, तब तक मैंने पट्टी टी लगाई और इसको ही बाजा बजा दिया। और यहाँ पे इन लोगों ने बहुत सारा स्मोक फैला दिया था, ठीक है। अब इनका एक टीममेट जो नॉक किया था उसको इन लोगों ने रिवाइव कर दिया था, ये देखो निकला। अरे भैया काहे कहियो पपीता लाल आगे, तो इनका भैया फोड़ फाड़ के बराबर कर दिया। ये डीपी वाला बंदा भाई मेरे पीछे पड़ा था तो मैं इसके पीछे पीछे भाग रहा था जिससे इसका डैमेज मेरे पे नहीं लग रहा था। और इस अगर एनिमी तुम्हें कभी क्लोज में मारे तो एक चीज़ कभी हरदम याद रखना मेरे भाई, जो आपके बहुत काम आएगी, कि एनिमी के हरदम पीछे साइड रहना, मतलब जैसे एनिमी आपके सामने से आ रहा है ना तो जंप लगाओ या कुछ भी करो, ठीक है। बस कुल मिला के बिल्कुल क्लोज में हो तो उसके पीछे खड़े हो जाओ, उसके घूम के पीछे आ जाओ। पीछे आ जाओगे तो कितना भी गन घुमाए आप, जितना गन घुमाए उतना आप भी घूमो, ठीक है, उससे बहुत फायदा होगा, आपके ऊपर एनिमी का एम नहीं लगेगा। ये बहुत अच्छा मेथड है, ये क्लोज रेंज में जरूर ट्राई करना, लॉन्ग रेंज में कभी करना भी नहीं। अगर आपके 20 मीटर से दूर है ना तो उसको मत ट्राई करना क्योंकि उसके पास तक जाते जाते तुम मर जाओगे, लेकिन अगर वो 10 मीटर के लगभग है, 5 मीटर के लगभग है, बिल्कुल जहां पे शॉटगन आप यूज कर सकते हैं, इतनी दूरी है कम से कम, तो आप ऐसे में इसको जरूर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भैया बीच में दो बोट भी मिल गए,
तो मैंने सोचा इनको भी लगे हाथ निपटा ही दें, क्या फ़ायदा, फालतू में बेचारे सरकारी कर्मचारी हैं, अपना काम से मुक्त हो जाएंगे। तो फटाफट भैया इनको मैंने लूटा, इनके पास कुछ खास लूट तो थी नहीं, लेकिन हाँ ये कि एटीएम का मुझे एमओ मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से अभी मेरी गन में लगा था 3x स्कोप, जिसकी वजह से मेरी गन बहुत ज़्यादा हिल रही थी, इधर उधर भाग रही थी। तो मैं ढूंढ रहा था कहीं से रेड डॉट मिल जाए, तो मैं रेड डॉट इस पर लगा लूँ और इस 3x को हटा दूँ, क्योंकि भाई रेड डॉट ज़्यादा बेटर काम करता है, चिपकता ज़्यादा है। अगर मतलब 100 मीटर तक है तब तो मान लो एडजस्ट हो जाता है कोई भी स्कोप हो, लेकिन अगर इससे ज़्यादा है ना तो भाई इतनी बुरी तरीके का हिलता है, इतनी बुरी तरीके का हिलता है कि ऐसा लगता है भूकंप आ गया। जब गन चलाओ ना तो ऐसा लगता है भूकंप आ गया, ऐसी फीलिंग आती है। मतलब यार मैंने इस सेंसिटिविटी को इतना अच्छे से सेट किया था, कुछ कहने को नहीं। मतलब जिन लोगों ने यूज किया होगा मेरी वाली सेंसिटिविटी उनको खुद पता होगी, मैंने अभी इसका वीडियो भी बनाया था और आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार सपोर्ट दिया, 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज आया यार, बहुत अच्छा लगा आप लोगों का प्यार देख के। तो भाई जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख लो, चैनल पर मिल जाएगी, पबजी लाइट बेसिक इन्फॉर्मेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है मेरे चैनल पर, उस पर जाना, वो सेंसिटिविटी वाली वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, उसको कॉपी कर लेना, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ें हैं उसमें, मैंने बताई भी है कि कौन सी चीज़ का क्या मतलब है, कैसे यूज़ करना है, सारी चीज़ें बताई हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस भी है उसका। ठीक है, तो ज़रूर ट्राई करना एक बार। तो यहाँ पे भैया एक बंदा था जिसको हम लोगों ने लपेट दिया और लपेट के यहाँ से अब निकलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे अब कुछ खास एनिमी बचे नहीं हैं और यहाँ तक मैंने 9 किल ख़त्म कर दिए थे। ठीक है, अब देखना सामने जाएंगे वहाँ पे भाई क्या ही तगड़ी वाली फाइट होती है, मतलब पूछो ना, मतलब ऐसा सरप्राइज मिलता है ना मेरे को कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मतलब गाड़ी के ऊपर गाड़ी, गाड़ी के ऊपर गाड़ी ऐसे आएंगे, मतलब ऐसा लगेगा जैसे सारे बंदे, पूरे मैप के बंदे यहीं पे टूट पड़े हैं यहाँ के, ऐसा सरप्राइज यहाँ पे आगे मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो जब तक हम लोग आगे जा रहे हैं तब तक एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि भाई जिन लोगों ने यार अभी तक सोशल मीडिया में मुझे फॉलो नहीं किया, फटाफट से फॉलो कर लो यार, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक में, जहाँ जहाँ भी आपने फॉलो नहीं किया अभी तक, सबका लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लो, क्योंकि काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग जानकारी मैं वहाँ पर भी डाल देता हूँ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, फटाफट से जाके फॉलो कर लो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना, जिससे नए वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। अब यहाँ पे देखो मैं ऊपर भाग रहा था ताकि मुझको कोई डैमेज दे, जिससे मुझे पता चले कि बंदा कहाँ पे है, क्योंकि भाई पूरा मैप में गेम खत्म होने वाला था यार, लेकिन कुछ खास बंदे मिल नहीं रहे थे। ठीक है, वहाँ पे एक स्क्वाड मिली थी और उसके बाद 2 बंदों का स्क्वाड मिला था, अब यहाँ पे भैया पूरा स्क्वाड मिल गया था, मतलब मैंने जैसा सोचा था ना उससे भी ज़्यादा यहाँ पे बंदे मिल गए। देखो एक बंदे को नॉक किया ना, एक बंदा देखो वहाँ पे भाग गया, मतलब डैमेज खा के भाग गया साला, नॉक नहीं हुआ। ठीक है, तो मैंने सोचा इस नॉक वाले बंदे को ही तब तक खत्म करते हैं, तो इसका मैंने पूरा खत्म करके इसका किल ही ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं खड़ा रहता ना तो मेरी पेटी बना देते, जब भी तुम पे गोली चलने लगे ना तुरंत लेट जाओ। उससे होता क्या है कि थोड़ी देर के लिए एम जो है कंट्रोल हो जाता है, और दूसरी बात यह होती है कि अगर आप लेट के गोली चलाएंगे ना तो आपका एम ज़्यादा चिपकेगा खड़े होने की अपेक्षा, अगर आप चल रहे हैं तो एम ज़्यादा नहीं चिपकता है। ठीक है, या दौड़ रहे हैं और गोली चला रहे हैं तो एम इतना ज़्यादा नहीं चिपकता है, लेकिन अगर आप लेटे हैं या बैठे हैं या फिर झुक के गोली चला रहे हैं तो उसमें एम ज़्यादा चिपकता है। कभी आप ट्राई करके देखना, मैं ये चीज़ ज़रूर अप्लाई करता हूँ। तुमने कभी देखा होगा जब भी मैं गोली चलाता हूँ मैं झुक जाता हूँ नीचे को, मैं खड़े होकर कभी जल्दी से गोली नहीं चलाता हूँ। ठीक है, क्योंकि उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब एम कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है दोस्तों, और जायरो यूज करो उससे और भी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको। ठीक है, ये देखो अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखते हैं। देखो ये गाड़ी वाले बंदे ने भाई क्या ही सीन मचा रखा था, मतलब मेरे दोनों टीममेट को भाई गाड़ी से मार दिया यार, मतलब क्या ही दिन चल रहा था। मैंने सोचा अब चाहे मैं खुद मर जाऊं लेकिन इस बंदे को जरूर मारूंगा, तो मैंने इसको नॉक कर दिया पूरी तरह से। अब ये बंदा नॉक हो गया था, मगर ये बंदे ने यार पता नहीं कहां से सरप्राइज दे दिया अचानक से, और भैया गेम यहीं से खत्म हो गया। तो मतलब गेम बहुत अच्छा था लेकिन यार अचानक से सरप्राइज मिल गया और हम लोग मर गए, लेकिन इसमें काफी कुछ आपको सीखने को मिल गया होगा। वीडियो पसंद आ गया, वीडियो लाइक शेयर कर दे।